घना हो गया, देख भीतर गाड़ी के भीतर भी आ गया पानी, और भीतर पानी आ गया। तो ये लोग गाड़ी के भीतर भी पानी आ गया है, ये देख ये ताई के। सारे दर्शकों ने प्रियंका को आड़ की राम राम, और फिलहाल खड़े हैं अंडरपास के नीचे खड़े हैं। ये अंडरपास जो लिकाड़ रखा है बड़ौदा का है, बड़ौदा में दो अंडरपास लिकाड़े गए हैं, और दोनों अंडरपास का यो बुरा हाल है। जींद में जो बड़ौदा है तो उसका यो हाल हो रहा है, गाड़ी अड़े के लिकड़े थी, तो आप देख सको तीन तीन चार चार फुट पानी भर रहा है और गाड़ी भीतर खड़ी होगी है, लेकिन फिर भी कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही है, पानी नहीं लिकाड़ा जा रहा है। तो यो तो गाड़ी का हाल है, जो रोज किसान खेता में जावे है बुग्गी ले जाए हैं तो उनका क्या हाल हुआ है, वे क्यूकर अड़े के जाते होंगे, क्यूकर अपने खेतों में, मतलब उनका तो खेतों में जाना ही छूट गया है, क्योंकि इसमें का बुग्गी बलद का लकड़ना तो बहुत मुश्किल हो गया है। एक जब ये गाड़ी नहीं लकड़ी तो बुग्गी और बलद क्यूकर लकड़ कर जाओगे तो बुरा हाल हो रहा है। यो अंडरपास और बारिश की बार तो इतनी हुई भी नहीं है, यो है थोड़ी ही बारिश होते यो हाल है, तो घनी बारिश हो जाएगी तो मेरे ख्याल में छत लग भर जाएगा, और ना इसका पानी लगाया जाता, कोई समाधान नहीं कराया जाता है, जब तक मतलब कोई सामने नहीं आवे तो यह चीज़ें अपने आप तो मतलब करिए नहीं जाती है, किसका पानी लगाया जा, किसान कितने दुखी हो रहे हैं, आन जाने वाले कितने दुखी हो रहे हैं, कभी मोटरसाइकिल इसमें पड़ ले है, गाड़ी इसमें वो ले है, जब इसमें जाकर कितना शंगाल लिया जा, फिर भी वैन है या फंस गई है इसके भीतर, क्योंकि पानी तना खराया है, और ये पक्का बराबर मैं थोड़ा थोड़ा मैं भी इस पर जान ला गई हूँ, क्योंकि ये पक्का है, अगर इसकी बात करें तो शायद मैं भी डूब जाऊँगी इसमें, इतना पानी है तो मैंने भी डूबना नहीं है, तो गाड़ी वाले तो पूछेंगे वाह गाड़ी कितनी डूब गई है और कड़े के हैं भाई, ये देखो। तो अंडरपास का यो हाल हो रहा है, और यो अड़े अड़े कालना है, यो सारे का यो हाल हो रहा है। ताई कौन से गांव की है? खापड़ के। गाड़ी खापड़ की है? हाँ खापड़ की है जी, लड़कन दुआई दुआन गए थे। कब दे गए थे? इधर सवेरे सवेरे खड़े के लेकर ले गए थे गाड़ी ने, परली साइड आए थे जी, परली साइड आए थे। हाँ, तो ताई के को है यो ही सब बुरा हाल हो रहा है, ये करा भी बालकन ठा के जाना पड़े है, ठीक ठाना पड़े है, बालक बालक बीमार है लेकर जाने पड़ेंगे, और 102 बुखार था इसका, 102 बुखार था, बड़े दिखा के ले आई उचाना है, सुरेश जैन का उचाना है ना, जींद जींद। अच्छा तो ये भी बुखार में तो करा भी नहीं बेचारा, ने बीच में फंस गई इसकी मम्मी करा है, ये मम्मी की बात देखा है, रोन लाग रही और गाड़ी फंस गई पानी में, बताए कुकर लिकड़े के बैठे, कुकर लिकड़े के इन ताई तो बिना लिकड़ सकती, इसमें पानी है, पानी गाड़ी में घना हो गया, देख भीतर गाड़ी के भीतर भी आ गया पानी, और भीतर पानी आ गया, तो ये लोग गाड़ी के भीतर भी पानी आ गया है, ये देख ये ताई के पैर में पानी आ गया, तो मौज माच रही थी पानी की, तो ये अंडर पास का हाल हो रहा है, तो ये गाड़ी वाले का हाल है, गाड़ी वाला भी खपड़ का ही है, खड़े के हो सर, बुरा हाल है मैडम, खपड़ है, खपड़ तो हो, तो क्या फुट पानी चढ़ रहा है, ऐसे तो यहाँ पे भरा है, ऐसे उचाना में है, मतलब कितने घंटे का रास्ता है, फाटक बंद हो है, दो घंटे तक उचाना फाटक नहीं खुलती, बुरा खुलते रही, अंडरपास का यू वाला है, मतलब इस पे कोई संज्ञान नहीं ले रहा, कुछ नहीं हो रहा जी, दो महीने से यही हाल, ताई की वजह तो बारिश भी ना हुई थी, और फिर बेटी सारा पानी उड़ा डटे है भी है, ये तो थोड़ी बारिश है, घना बारिश हो जाए तो मेरे ख्याल में गाड़ी पूरी डूब जाएगी, पूरी डूब जाएगी, सरकार ने इस पे संज्ञान लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, पानी साफ करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, पानी जमा साफ करवाना, कर कड़े को लिकड़े बेचारे, कड़े को लिकड़े, अच्छा राम बरस गया, दूर तो बरसिया भी कौन वाला पूरा है, अरे तो गड्डी है ताई, जो बेचारे रोज खेता में जाऊं का ख्याल है, उनका क्या हाल, सबूरा गड्डी तो न्यून पर कचली जाएगी, और किनी ने गया पर वे बड़द बुग्गी वाले कड़े का ना, कड़ा को जा मुश्किल हो रही है, बता मुश्किल हो रही बेटी, तो यो देखो ये छोटा सा बालक है, इसने ताई दवाई दवा के ले आई है, अरे भैया ताई न्यून लेकर सकती है ना, न्यून लेकर सकती है, यो अपनी माँ की बाट देखा कि मैं अपनी माँ दोरा को डाणी पहुंचूंगा, ट्रैक्टर वाले ने बुला लाग रहा है, ट्रैक्टर वाले भी रुपये लेगा, यो देखो क्या ना ले जाओ, हो अड़े फसोगे, ये देखो ले 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 मौज माज, यो हो गया, तो यो देखो सारे कितना हो है बढ़ाने तो है, और रुक गया मोटरसाइकिल तो है, ये तो बिना नहर नहर हो रही है, अड़ेगा तो जोड़ हो रहा है, तीन तीन चार 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 तीन तीन चार चार फुट पानी अड़े का भरया है, तो यो देखो जो भी अड़े का आवा है उड़े उससे ही गाड़ी मोटरसाइकिल बंद हो ले है, और जोड़ के मैं नहाने की मतलब जो तड़के ना नहा रहा है वो ना भी लेगा इसमें, इतने बुंडे पानी में यो हाल हो रहा है, माता रानी ने तो जोड़ में फंसा दिए, तो जो भी अड़े का आवा है गोता खाता जा है, पहले गाड़ी गोता खा रही है और फिर मोटरसाइकिल वाला गोते खा रहे हैं, चलो तो देखो ये है, ये बड़ौदे के आते होंगे जरूर, जवार काट का आए हैं, तो यो हाल तक गाड़ी का हो रहा है, वो आपने मोटरसाइकिल का हाल देखा था, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी आड़ा आगे संज्ञान नहीं ले रहा है, ना पानी लिकड़वाया जा रहा है,
किसान आन जान वाले कितने दुखी होए रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी का। तो ट्रैक्टर भी आने लग रहा है, तो यो हाल है ट्रैक्टर का, इतना अंगा लग रहा है तो बुग्गी झोटा बेचारा खड़े का होगा। हमारे ऊपर भी पानी आ गया है, रोक लो सर एक बार। राम राम जी। राम राम जी। ये नाम है करमवीर है जी, बड़े के हो बड़ौदा के जी। इन्हें रोक लो एक बार, बड़ौदा के हाड़ी में बड़ा बुग्गी भीतर लकड़ते होंगे। बस मुश्किल है जी, मुश्किल लकड़ा है। रस्सी तो कौन है मेरे भाई, खींच देंगे। बंद हो जाएगा, बंद है जी, बंद है जी, उनका फैट अप करवा है जी। अच्छा, और पाए का गाना को मतलब वो ने पाए गाना का भी विद्या पतली हुई या भी डूब गई, या डूब गई। हां, अरे मोटरसाइकिल वाले आए थे, वो भी आते उठते जा बेचारे, डूबता रहे तो उठा गया। हां, अरे पहले तो पानी निकाल दिया ना इसका, तो कोई इस बात से नहीं ले रहा है, कोई पूछा भी पानी पूरी लगा दे हो, कौन नहीं पूछता जी, बोर करना चाहिए नीचे। अच्छा, हां परला पुल में तो कर रखा है, पानी का तो भरा है यू आज भी रहा जी सही तो। अच्छा, हां रात में राम बरसिया नहीं, तो ये पता इतनी बारिश भी ना हो रही, फिलहाल थोड़ी बारिश होने लग रही है। पहले थोड़ा बहुत था वो निकाल दिया था। अच्छा, तो ज्यादा बारिश हो जाता क्या हाल, फिर तो बुरा हाल है जी, फिर तो आदमी डूब जाएगा, डाल आदमी डूब जाएगा। हां, तो यो हो रहा है, तो मोटर पास का यो हाल है। हां, उसमें तो बोर कर गया जी। अच्छा, अगला में तो इसमें कोई बोर नहीं, तो यो देखो अंडरपास का यो हाल हो रहा है, और थोड़ी ही बारिश में यो हाल है, तो घनी बारिश में क्या हाल होगा। और कोई भी मतलब कई दिन तक यो पानी एक दिन में कौन है, यो पानी तो कई दिन तक भरा रहेगा आड़ा, कई दिन तक किसान परेशान रहेंगे, अपने खेत में जाने तक तरसेंगे, रोटे पूरी लाने तक तरसेंगे। तो यो है, आप भी बताओ कि मतलब ये कहना आपने सरकार के बारे में, सरकार ने अंडरपास तो बना दिए पर इनका पानी कौन लगाना होगा, तो इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि इस पर संज्ञान लिया जा सके और इसका पानी लगाया जा सके। फिर मिलेंगे, जय हिंद।